दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1984 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म अंदर बाहर के रीमेक के बारे में। इस फैन मेड वीडियो का सुझाव हमें हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने दिए हैं। क्या होगा अगर 80 के दशक में बनी सुपरहिट फिल्म अंदर बाहर की रीमेक आज के जमाने में बनेगी? कौन होंगे वो कलाकार जो इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे? इन सभी बातों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था रोमी सिप्पी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज सिप्पी ने। फिल्म की कहानी लिखी थी कादर खान ने। ये फिल्म साल 1982 में आई हॉलीवुड फिल्म 48 आर से प्रेरित थी। फिल्म का म्यूजिक दिया था म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन ने। फिल्म के गाने काफी मशहूर हुए थे। इस फिल्म का हाईलाइट है जग्गू दादा जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर का स्टाइल और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो उन दिनों काफी पॉपुलर थी। दोस्तों इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे अनिल कपूर राजा के किरदार में, जैकी श्रॉफ रवि खन्ना के किरदार में, मुनमुन सेन रीमा के किरदार में, डैनियल डेंजोंपा शमशेर सिंह के किरदार में, गुलशन ग्रोवर गुलशन के किरदार में, परीक्षित सहानी अजय सहानी के किरदार में और अनिता राज। फिल्म की कहानी है एक चोर राजा और एक ईमानदार इंस्पेक्टर रवि कुमार की जो साथ मिलकर शेरा नामक एक शातिर मुजरिम को पकड़ते हैं। ये वही शेरा है जो राजा और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक बैंक में डकैत डालता है जिसे अंत में राजा और रवि मिलकर जेल के सलाखों के पीछे डालते हैं। तो ये थी फिल्म की कहानी। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये पहली फिल्म है जिसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने साथ में काम किया और 80 के दशक की हिट जोड़ी साबित हुई थी। अनिल कपूर ने इस इंडस्ट्री में जैकी श्रॉफ से पहले एंट्री की थी साल 1979 में और जैकी श्रॉफ ने साल 1983 में। फिल्म के शूटिंग के दौरान अनिल और जैकी श्रॉफ के बीच एक कॉम्पिटिशन सा भी चल रहा था और शूटिंग के दौरान ये अनिल के हाव भाव में भी नजर आ रहा था जिससे डायरेक्टर काफी परेशान थे, जिसकी वजह से अनिल और डायरेक्टर राज सिप्पी के बीच नोकझोंक भी हुई। पब्लिसिटी के दौरान भी अनिल फिल्म के मेकर से काफी नाराज थे क्योंकि फिल्म के पोस्टर और क्रेडिट में जैकी के नाम को ज्यादा अहमियत दी गई थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो उन दिनों बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट थी और अनिल की फिल्म मशाल ने बॉक्स ऑफिस में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। ये फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन की डेब्यू फिल्म थी जिसमें उनकी आवाज को हबीबा ने डब किया था। हालांकि उनका बॉलीवुड में सफर ज्यादा सुहाना नहीं रहा। तो ये थी इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों हम ये मानते हैं कि अगर इस फिल्म की रीमेक बनेगी तो इस फिल्म में राजा का बिंदास और झक्कास किरदार निभा सकते हैं रणवीर सिंह, जो इस जिंदा दिल रोल में सही रहेंगे। वही इंस्पेक्टर रवि खन्ना का किरदार निभा सकते हैं स्टाइलिश और दमदार ऋतिक रोशन। ऋतिक और रणवीर की टक्कर ऑन स्क्रीन आज तक नजर नहीं आई है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। रीमा का किरदार निभा सकती है गॉर्जियस कियारा आडवाणी। शमशेर सिंह उर्फ शेरा का खुराफाती किरदार निभा सकते हैं इंटेंस रणदीप हुडा। ये सभी एक्टर्स आज के जमाने में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। फिल्म की कहानी को आज के दौर से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है। साथ ही फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के कुछ गाने के रीमिक्स को भी सुना जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप? और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे? आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा भी यू आर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।